बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन है कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स, अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ द बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। यानी सॉल्यूशन रीजन के वर्टेक्स या बाउंड्री पॉइंट उन्हें कहेंगे जहाँ पे टू लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हों। अब देखें, जैसे सपोज मैंने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके बाद हमने इनका सॉल्यूशन रीजन निकाला, तो ये वाला, ये जो मैंने शेड किया हुआ, ये वाला सॉल्यूशन रीजन निकला है। अब देखें, ये बाउंड्री लाइंस, कोई सी भी टू लाइन, ये देखें, ये जो है ये पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह से ये जो है एक सॉल्यूशन रीजन का, क्योंकि ये इतना सॉल्यूशन रीजन है, ये जो है ट्रायंगल की फॉर्म में, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। और ये वाले, ये जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे हैं ये लाइन के, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टेक्स कहेंगे। ये लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब देखें, ये वाला इसमें यहाँ पे नहीं है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन रीजन हमारा इस तरह का ना होता, सपोज़ ये हम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम रिस्ट्रिक्ट होते, सपोज़ यहाँ तक अगर हमारे पास है, ये वाला भी मैं इतना रेज कर देती हूँ, सपोज़ हमारे पास ये इतना रीजन है, अगर हमारा सॉल्यूशन रीजन इतना है, अब देखें हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट बनेगा, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट बनेगा, और एक ये वाला। देखें ये इसके 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जहाँ जहाँ से देख लें ये टर्न कर रहा है, वहाँ वहाँ ये इसको पॉइंट जो है वो इसके वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उनमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होंगे, लेकिन ठीक है, एक दफ़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ सिर्फ सॉल्यूशन रीजन का हमने निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वैसे देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं टू लाइंस, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन रीजन ये वाला नहीं है तो फिर ये हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। इसी तरह से ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। और अगर इस तरह का एरिया बन जाता है ये वाला सपोज, तो अब देखें हमारे पास ये भी कॉर्नर पॉइंट है, अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, अब ये कॉर्नर पॉइंट नहीं रहा, ठीक है। अगर इस तरह का है हमारे पास, देखें यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, उसके बाद ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, फिर ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं रहा, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में करेंगे डिफरेंट सारे, तो उनमें मज़ीद हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं।